न्यूयॉर्क में होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का भारतीय प्रवासियों ने जोरदार स्वागत किया। मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी आज सीईओ राउंड टेबल में प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी के एडवांस तकनीक के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग पर होगा जोर। पीएम मोदी न्यूयॉर्क में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगे। कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज और जापानी पीएम फुमियो किशिदा भी रहे मौजूद। बैठक से पहले क्वाड लीडर्स का फोटो सेशन भी हुआ। पीएम मोदी के ठीक बगल में खड़े हुए बाइडेन, कंधे पर रखा हाथ। क्वाड बैठक से पहले पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। दोनों के बीच एक घंटे चली बैठक। कश्मीरी पंडितों को खड़गे ने कहा भरोसा दिया, कहा पुनर्वास की व्यवस्था लागू करेंगे, पिछड़े वर्ग को पूरा हक मिलेगा। तरुण चुग ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोलते हुए कहा गांधी परिवार की महापरिक्रमा करना छोड़िए, कांग्रेस पार्टी को बचाइए। 23 सितंबर को श्रीनगर जाएंगे राहुल गांधी, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अमेरिका में सिखों पर दिए बयान पर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा बीजेपी मेरे बयान को लेकर झूठ फैला रही है, हमेशा की तरह वे झूठ का सहारा ले रहे हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा बीजेपी सच्चाई का सामना नहीं कर सकती, इसलिए वो मुझे चुप कराने पर तुली हुई है। भिवानी में सीएम सैनी ने युवाओं को संवाद के दौरान कहा बिना पर्ची बिना खर्ची के 2 लाख नौकरियां देंगे। कांग्रेस का डीएनए ही आरक्षण विरोधी है, वो गरीबों का विकास नहीं चाहती है, सीएम सैनी का आरोप। आतिशी कैबिनेट में मंत्रालयों का बंटवारा हुआ। सीएम आतिशी के पास पीडब्ल्यूडी, एजुकेशन समेत 13 मंत्रालय होंगे। मंत्री सौरभ भारद्वाज को शहरी विकास, हेल्थ, टूरिज्म समेत 8 मंत्रालयों का जिम्मा। तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने 11 दिवसीय प्रायश्चित दीक्षा उपवास का ऐलान किया। कहा 1 और 2 अक्टूबर को तिरुपति जाकर भगवान का दर्शन कर क्षमा मांगूंगा। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा वाईएसआरसीपी की सरकार ने जन भावनाओं का सम्मान नहीं किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक एक कर लोगों की समस्याओं को जाना। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी।